Hello everyone, welcome back to my channel Ask Dr. Suman. Friends, आज हम बात करेंगे कि थाई के आउटर साइड में पेन क्यों होता है, क्या रीज़न है और कब ये पेन ज़्यादा होता है और इसको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो थाई के बाहर की साइड में पेन क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो हमारे जो स्पाइन से एक नर्व निकलती है, L2 और L3 से नर्व निकलती है जिसका नाम है लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व। ये नर्व है हमारे थाई के फ्रंट में और लेटरल साइड में सप्लाई करती है। ये नर्व किसी भी वजह से कंप्रेस हो जाती है, उस पर दबाव आ जाता है तो आपको थाई के आउटर साइड में और फ्रंट साइड में पेन होने लगता है। यानी ये जो पेन है आपके कमर से भी हो सकता है, क्योंकि ये जो नर्व है वो कमर से निकलती है L2 और L3 से। तो आपके अगर डिस्क बल्ज हो गई वहाँ से तो कमर से पेन आएगा और आपके लेटरल थाई और फ्रंट थाई में हो सकता है। अगर आपको कमर में नहीं हो रहा है, ओनली लेटरल साइड में थाई के पेन हो रहा है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पेल्विक में एक इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, उसके नीचे से ये नर्व निकलती है। इस लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाए या ये लिगामेंट टाइट हो जाए किसी भी रीज़न से, तो क्या करेगा, ये लिगामेंट है उस नर्व पे दबाव बना लेगा और वो नर्व है वो कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लेटरल साइड में और फ्रंट साइड में थाई के पेन शुरू होने लगेगा। तो ये रीज़न है, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं नर्व है वो कंप्रेस हो रही है, उस पे दबाव आ रहा है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है थाई में। ये जो पेन है आपके थाई के ऊपर से अपर जो पार्ट होता है वहाँ से शुरू होता है और नी के जो लेटरल साइड है वहाँ तक पेन जाता है। तो इस तरीके से ये पेन होता है और ये पेन है वो अगर आप लंबे समय तक खड़े हैं तो अब ये पेन ज़्यादा बढ़ सकता है, आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको ये पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये पेन है, पेन के साथ साथ आपको टिंगलिंग सेंसेशन लगेगा, ऐसे नमनेस फील होगी कि जैसे कि सुन हो गया हो पार्ट, इस तरीके की फीलिंग होगी। और इसमें आपका कोई मूवमेंट है वो अफेक्ट नहीं होगा कि भाई आपका ये मूवमेंट आपका लेग का नहीं हो रहा है, इस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि ये जो नर्व होती है वो सेंसरी नर्व है। तो आपको पेन, टिंगलिंग, बर्निंग पेन, इस तरीके के ही सेंसेशंस हैं वो फील होंगे। तो ये नर्व है वो कंप्रेस क्यों हो जाती है? तो क्या होता है कि जो ये हमारा वेस्ट एरिया जो है वहाँ पर ये नर्व होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट जींस पहन लेते हैं तो उसकी वजह से ये नर्व ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, और आप टाइट बेल्ट पहन लेते हैं तो भी आपको ये नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से पेन हो सकता है, और आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो अगर वो भी टाइट लग रहा है आपको तो भी आपकी नर्व कंप्रेस हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, मोटापा ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। और डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है वो कॉमनली देखी गई है, क्योंकि जब ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है तो उसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो भी अफेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से जो आउटर थाई में पेन होने लगता है। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं, लेग्स में भी टाइट है, वेस्ट में भी टाइट है, तो उसकी वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके की क्लोथ्स हैं आपको पहनने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस पेन को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा, और जो प्रेशर, जो दबाव उस नर्व पे आता है वो दबाव भी हटने लगेगा और आपको काफ़ी रिलीफ लगने लगेगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से पोजीशन बनानी है, एक लेग आगे रहेगा और जिसमें आपको पेन हो रहा है वो लेग आपका पीछे रहना चाहिए। तो इस तरीके से पोजीशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, आगे की तरफ मूव होना है, और उसके बाद हमें हैंड्स अप करने हैं, हैंड्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, उसके बाद हमें साइड बेंडिंग करनी है और उसके बाद हमें पीछे की तरफ रोटेट करना है।
तो आपके जो पीछे वाला लेग है उसके थाई के बाहर की साइड में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होता है। यहाँ पे 2-3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, देन उसके बाद अगेन रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से करके देखते हैं, हम आगे मूव होना है, देन हैंड्स अप, हैंड शुड बी स्ट्रेट एंड साइड बेंडिंग, देन रोटेशन। ये एक्सरसाइज आपको 8 से 10 बार करना है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो लेग में पेन है वो पीछे होना चाहिए और अपोजिट साइड में आपको बेंडिंग करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें क्या करना है, उल्टा लेटना है। इस तरीके से हम पोज बनाएंगे अपना, और आपको क्या करना है, लेग को बेंड करना है लाइक दिस, और उसके साथ क्या करना है आपको, ऊपर की तरफ देखना। जितना आप बेंड कर सकते हो उतना बेंड करना है। 10 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। जब रिलैक्स होंगे लेग डाउन और हेड भी हमारा डाउन हो जाएगा। फिर से करते हैं, हम ये लेग बेंड एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखना है हमको, और साथ में हमारा लेग है वो बेंड होगा। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, जितना आप बेंड कर सकते हो उतना मैक्सिमम बेंड करना है आपको, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में हमें करवट लेके लेटना है। आप बेड पे लेट सकते हैं, लेकिन बेड की जो हाइट है बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सरसाइज है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी, आपके जिस लेग में, जिस थाई में पेन हो रहा है, उस थाई को आप, उस लेग को आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से आपको लेटना होगा और बेड के एज पे लेटना है, जिससे ये एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेग को स्ट्रेट ऊपर करना है, देन उसके बाद हमें पीछे करना है, देन उसके बाद हमें नीचे लाना है लेग। जितना आप नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाना है, जितना आप नीचे लेके जाएंगे उतना ही आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप थोड़ा सा पुश करवा सकते हैं नीचे की तरफ, या फिर आप लेग पे, एंकल पे, वहाँ पे आप वेट कफ भी लगा सकते हैं, यानी कोई वज़न भी बांध सकते हैं, जिससे आपका जो लेग है वो नीचे की तरफ जाएगा और आपको जो थाई के लेटरल साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, देन उसके बाद रिलैक्स। फिर से ट्राई करते हैं हम ये एक्सरसाइज। सबसे पहले लेग को स्ट्रेट किया, ऊपर उठाया थोड़ा सा, एंड देन पीछे की तरफ, देन नीचे की तरफ। ये एक्सरसाइज आपको 8 से 10 बार करनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा थाई पेन में। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी एक्सरसाइजेस, आई होप आपको समझ आई होंगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।